ये है शिरडी साईं बाबा का प्रसाद, आप सब जरूर ले लेना। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही भेज पा रही हूँ, इस तरह से प्रसाद होता है। Sun is going down now. Been at it for a while, and I have had enough of it. एक बैच हो गया, दूसरा बैच। एक बैच तो मैंने कल ही धोया था। अरे किधर है? चलो एंजॉय करो तुम अपना काम। ये खस्ता बिस्किट लेके जा रहे थे ना, उनका बिस्किट। ब्रेड, ब्रेड का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। वुड फायर ओवन में मुझे लग रहा है। आज का जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलूंगी, स्नैक्स है सुबह का चाय के साथ। ये एक ब्रेड वाला और एक शुगर की, उनके साथ जुड़े हुए लोगों की कहानी है। ये जो ब्रेड वाले जो आपने देखा है बेच रहे थे, 10-20 रुपया ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो अगर हम नहीं खरीदेंगे, सोचेंगे ये मैदा है, तो लेकिन उसका क्या लाइफ होगा आप लोग सोच सकते हो। ये टोस्ट बेच के ही उनका लाइफ चलता है। पॉसिबल होगा जितना हो सके करने की कोशिश, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हमेशा नहीं पॉसिबल होता। खतरदार बनाया मैंने, क्योंकि दिमाग खुलना चाहिए। टोस्ट और चाय आप लोग जरूर लेना, हाँ स्पेशल वाला। ओहो, स्वीटी का सिनेमेटिक सॉस, काला नमक और ये पेरू अमरूद और प्यारा और क्या लैंग्वेज में गुआवा, मैंने गुआवा वो लाल वाला को बोलते हैं, इसको भी गुआवा ही बोलते हैं। और क्या लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप लोग जरूर लेना इस स्वीटी का। इतना मीठा होता है, इतना टेस्टी, ऑसम। सीडी का नेचर का प्रसाद, नेचर का प्रसाद। अनियन, अदरक, जीरा, सूखी मिर्च, बीच मैंने हटा दिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर को पानी देके स्मूथ पेस्ट बनाना है। मस्टर्ड ऑयल पे पोटैटो को फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कतला फिश को फ्राई कर लिया, जब हल्दी नमक लगा के वैसे फ्राई खाने में भी अच्छा लगता है, मस्टर्ड ऑयल पे। और उसी तेल में कलौंजी, सौंफ और मेथी और तेज पत्ता, छिरी हुई हरी मिर्च, स्लाइस अनियन, लौंग, इलायची, दालचीनी को जस्ट थोड़ा सा मतलब कूट लिया, मतलब ज्यादा नहीं, जस्ट उसका खुशबू आ जाए, क्योंकि उसमें खुशबू निकलता है अच्छी तरह से। जो मसाला पीसा था वो, हल्दी बहुत देर तक अच्छी तरह से भूनना है, तभी उसका खुशबू अच्छी तरह से आएगा। कच्चापन एकदम चला जाना चाहिए, भून भून के ब्राउन करो। थोड़ा सा पानी देके टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करना है। सब पोटैटो, मटर, पानी, और ये थोड़ा सा बॉईल होने के बाद फिर धनिया पत्ता देख के और 5-7 मिनट बॉईल करना है। स्पेशल डिश मेरे लिए है, बांधा गोभी, आधा बांधा गोभी था, बना दिया। बहुत अच्छा लगता है सरका, शुद्ध देसी खाना बाबा। मैं कल सोच के आई थी, आज सिंपल वाला जो पतला वाला झोल बोलते है इसको, ये लेकिन जितना पतला होगा उतना टेस्टी होता है। ये है कतला मांस, हमारे लिए फिश बहुत शुभ मानते हैं। स्वीटी क्या बोल रहे थे, फिश बहुत टेस्टी है। स्वीटी के मुंह से बहुत कम सुनाई देता है सवाल। गौर से देखो इस इंसान को, ये क्या देख रहा है, क्या देख रहा तू? क्या देख रहे तू मेरे साथ रह रहा है? क्या देख रही है मेरे साथ रह रहे कि इनका भी इम्प्रूव। मैंने जानबूझ के बोला ये बंद करो, तेरे पापा भी बोल, ये बंद करो, मिस्टेक करके भी जानबूझ। अरे शांतनु भी अभी मेरे जैसे बोली बोलने लगा है, गधे के साथ रह रहे भी गधा हो जाता है। वो कहानी सुना, गधे और घोड़े की कहानी देख रही हूँ, मुझे नर्सरी वाला लाइन है। मेरा बड़ा आके हंस रही है, ये हंसने वाली कोई चीज है? हंसने वाली क्या चीज हुआ, तो मैं कार्टून वाला मूवी नर्सरी वाला से छोटा छोटा वीडियो होता है ना, गधे और ये की कहानी अभी दे रहे, और हिरन और ये लायन की कहानी, तो क्या हुआ? अच्छा है ना, सीखने वाली चीज है। स्वीटी का भी नहीं देखती, मुझे अच्छा लगता है। बचपन में भी नहीं देखती थी ये स्वीटी, बचपन में भी नहीं देखती थी। ये तो सब कुछ अजीब ही है। ये झाड़ लेके आई, मैं आधा लेके आई, मैं मतलब दो लेके आऊ, मंदा के लिए कि मैं अपने लिए एक रख लूंगी, तो बैठ बैठ के छिलना पड़ेगा ये बाबा। ये बहुत टेस्टी होता है। आ, इसका मंदा के लिए पैकिंग कर दो, अंगूर वगैरह। इसका सब्जी मेरा बहुत फेवरेट है। उसका सब्जी शांतनु को बहुत लगा, छिलना पड़ेगा ना अंगूर और ये सारे ब्रेड टोस्ट। मंदा इसके अंदर प्रसाद है, ये देखते ये थाली कैसा लगा? अच्छा है, वो गुड़ लिया ना उधर, ये इसके अंदर वो चना खी, ये कर और मसाला मैं बाद में निकालूंगी। हाँ चलेगा बाद में, मसाला वो निकाला नहीं, और कुछ है तो मैं बाद में निकालूंगी, लेकिन ये चना खा लेना। नहीं मुझे बना,
Even if you try, you wouldn't understand it. चाहे वो रबर की क्यों ना हो, ये बलून के साथ बचपन का एक कनेक्शन रहता है, तो ये कनेक्शन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कोई और कनेक्शन तोड़ दो प्लस। स्वीटी क्या कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिंग हो रही है स्वीटी का। स्वीटी का एक्टिंग एकदम बेकार एक्टिंग करती है। ओवर एक्टिंग। स्वीटी का शादी करते हैं। ठीक है, मुझे क्यूट लगता है। पकड़ो मम्मी। अरे ये फोन मम्मी पकड़ो ना एक बार। पकड़ो, हेलो पकड़ो। अभी स्वीटी शादी करेगी। नहीं स्वीटी दूल्हा बनेगी। अरे रुको तो सही। बाबा रुको, पीछे का वाह बाबा, गोल्ड कलर का वाह। उसका रहना तो फिर से हवा भरेंगे हम, वो रीयूज होगा हमारे लिए। स्वीटी बोले कितना खाली लग रहा है। अभी बर्थडे के टाइम में वो स्पेशल होता है, अभी पूरे साल रहेगा ना, तो कोई बर्थडे जब आएगा तो स्पेशल। ए क्या उसका देखा, स्वीटी कितना बदमाशी करती है, इसी से पता चल जाता है। वो कैमरे में उतना दिखता नहीं है। झटका लगा तुमको? हाँ, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। गेदर ड्यूटी में नहीं। बात चॉप, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, अनियन, एक सब एकदम फ्राई करो। ये जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा, टमाटर देके और अच्छी तरह से भूनो। चॉप धनिया पत्ता, कसूरी मेथी, यहाँ पे हल्दी और नमक लगा के मूंग मसूर और उड़द छिलके के साथ, और थोड़ा सा चना दाल। अगर कोई मटर दाल भी मिले तो दे सकते हैं, मटर दाल ही ज्यादातर दिया जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत। और इसको 10 मिनट जस्ट बॉईल करना है, ज्यादा पानी नहीं देना है। अच्छा खुशबू आ रहा है ना। ये है और एक इंडिया का गोल्ड, एक तो घी बताया, ये है गुड़ लिक्विड जगर। खा के देखो, रोटी के साथ तो मस्त, बचपन से ही खाते है। और ये है धरती का सोना, उसके साथ ये ना हो, ये डायमंड बोल रहे हो? अरे ये ना हो तो तब तक मजा नहीं आता। थोड़ा सा सिल्वर नहीं है, ये हरा वाला। ये है शुद्ध देसी खाना। अरे बस खा के देखो सिर्फ। इस तरह से रोटी को लो, गुड़ में डुबो। अगर किसी ने नहीं खाया एक बार खा के देखो, मेपल सिरप को भूल जाओगे। ये बच्चा चूल झाड़े ना, मतलब चूल हेयर को ठीक नहीं करता मेरे। मैं रोज झाड़ती हूं। हाँ, इसीलिए तो पाखिल बांसा पंछी का घोंसला। ये पहला प्रोडक्ट मैंने वहाँ से लेके, वहाँ से नहीं है एक्चुअली, ये जो मेला था ना वहाँ से। ये एक्चुअली ये राजस्थान में बनता होगा शायद, उस तरह के मतलब। ये शंख का या पत्थर का? अरे तुमने खोल कर दिया, बदमाशी कर रहा। देखो तुम जरा मुझे खुश। अरे देखो हंस रही है उसके ऊपर, कितना बदमाश है। आप लोग तो सोच नहीं पाओगे, दिखाने का मतलब मौका नहीं मिलता ना मुझे। ये इस तरह से काटा होता है ना, तो स्वीटी का सर पे जब बो बनाते हो एक ही लगाते हैं, तो दोनों का अलग अलग डिजाइन अच्छा लगा मुझे। ये वाला डिजाइन। अभी सीढ़ी से क्या क्या लाई हूँ, सीढ़ी नहीं सिर्फ आसपास से क्या क्या लाई हूँ वो दिखाना बनता है। गुड़ लाई हूँ, बहुत सारे गुड़ लाई हूँ। शुगर केन का फर्स्ट प्रोडक्ट ये लिक्विड जागरी होता है। ये 3 बॉटल लाई, मंदा को भी दिया मैंने। और ये ढेला गुड़ बोलते है ना, अनरिफाइंड है। हाँ मतलब एक तो एकदम ये काला है। ये वाला मुझे ज्यादा पसंद है। पहले सब खाने वाला चीज दिखाऊंगी। ये है काला मसाला, वही ग्रोसरी स्टोर से लिया। ये कुछ अलग टाइप का मसाला, लोकल मसाला है पूरा महाराष्ट्रियन टाइप का, लेकिन महाराष्ट्र में हर रीजन का खुशबू अलग होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस बार का थोड़ा नया है। ये मटन मसाला, ये कि सुपर गरम मसाला। पहली बार सीडी में धूप खरीदा, मुझे पता ही नहीं था, मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे धूप मिलता है, मतलब धूप अगरबत्ती। ये स्टिक वाला है, नेचुरल टाइप का, खुशबू एकदम ही अलग, ऐसा वाला तो यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है। और ये जो छोटा छोटा होता है ना धूप, मतलब कोन वाला जो होता है, कोन और स्टिक वाला, ये मैंने काफी सारे ले लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे तो इस्कॉन में मैं ज्यादातर लेती हूँ धूप। और ये लोबान भी बहुत अच्छा। हाँ लोबान, हाँ ये कुछ अलग चीज है। लोबान बोल रहे थे यहाँ पे, ये जो होता है ना जैसा हम लोग धूपदानी में जलाते हैं, वो जैसा ऐसा करने वाला, उसको क्या बोलते हैं हमारे वहाँ पे, धुनो बोलते हैं उसी को, लोबान बोलते हैं यहाँ पे शायद, लोबान बोलते हैं। इसी का एक 2 टाइप का मैंने लिया, 2 पैकेट अलग अलग खुशबू में। और एक वो साईं बाबा के मंदिर में एक अगरबत्ती जलता है ना, वो इसमें भी से कोई एक जलता है।
और एक अगरबत्ती स्टैंड। बाबा ये तो मैंने ऑनलाइन पे भी देखा था, यहाँ पे मेरे लोकल स्टोर पे ये जो जाली है मेरे पास एक है, मतलब डिजाइन टाइप का, साफ करने में बहुत मुश्किल, मुझे ऐसे गोल गोल बूंदी वाला चाहिए था। ये ब्रास का है, वहाँ पे मैंने देखा ब्रास का सामान बहुत अच्छा मिल रहा था, प्राइस भी मतलब मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, लेकिन हेवी क्वालिटी का, मेरे पास जो है वो इतना हेवी नहीं है, पतला वाला। ये स्वीटी का ब्रास का खिलौना पहली बार स्वीटी ने लिया। ये दूध का कैन, इसका ढक्कन देखो, साइज देख के पता चल जाएगा मेरा उंगली और हाथ से ही। इसका बाल्टी, ये बाल्टी है और ये तो कमाल की चीज मिली। इसमें मोहिती अपना टिफिन लेके जाएगी, देखो अपना ऑफिस, मतलब रियली टिफिन बॉक्स, मतलब हाँ बहुत पतला क्वालिटी का है क्योंकि ये ब्रास का है ना, मतलब 150-160 ऐसा कुछ लिया। ये प्रॉपर टिफिन बॉक्स, मैंने देख के मैं खुश हो गई, मतलब स्वीटी से ज्यादा तो मैं खुश हो गई थी। स्वीटी बोले ये ले लो, ये हाँ ले लो ले लो, स्वीटी जब स्कूल खुलेगा ना इसमें उसको टिफिन देना। भगवान के लिए मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया क्योंकि मेरे पास जो ग्लास है ना बहुत बड़ा साइज का है, तो वही इस तरह से फूल भी सजाऊंगी या भगवान के लिए यूज भी होगा। स्वीटी ने एक बैंगल्स लिया, ये मेरे हाथ पे मतलब यहाँ पे गैप है, ये गैप के अंदर डालने के लिए, बहुत कलर बहुत अच्छा है। शुगर केन का और एक प्रोडक्ट ये है, शुगर केन का ड्रेस, मतलब शुगर केन का जो जूस निकलने के बाद जो जो जूस निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे बनता है, मक्खन जैसा स्मूथ है। लिनन से भी मुझे सॉफ्ट लगा, नहीं हाँ, ये रिंकल फ्री है टोटल। हाँ, वहाँ पे हैंडलूम का प्रोडक्ट पहले जब गई थी तब मुझे नहीं दिखा था। साड़ी भी मिलता है, सलवार भी मिलता है, कुर्ता टाइप का लिया। स्वीटी के लिए एक जैकेट लिया, ये एकदम तड़कदार भड़कदार जैकेट, जींस टाइप का। किस लिए लिया है पता है? ये शुगर केन का नहीं है, नॉर्मल जींस का है, कॉटन कॉटन का। डांडिया होता है ना स्कूल का फंक्शन में, स्वीटी ने बोला मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसा पहन के जाते हैं तो मुझे एक ऐसा खरीद के दो, तो वही अभी डांडिया नेक्स्ट ईयर आएगा तब वो पहनेंगे। सोचो इसका पीछे भी ऐसा वाला डिजाइन, तो ये ड्रेस के ऊपर जैकेट हिसाब से बहुत, मतलब मुझे बहुत क्यूट लगा। स्वीटी का शायद पहला लॉन्ग ड्रेस मुझे जितना लग रहा है, इस तरह से व्हाइट टाइप का, ये जॉर्जेट का है, मतलब इस तरह से सामने डिजाइन है। जिस दिन स्वीटी पहनेगी आप लोगों को पता चलेगा इस तरह से। पहली बार मैंने एक चीज लिया है, मैं पहले जिंदगी में कभी नहीं पहना, ये सरारा टाइप का ड्रेस दिख रहा है आपको, सलवार कमीज, सलवार सलवार मैं दोनों सलवार, हाँ सरारा टाइप का, लेकिन गोटा पत्ती, मतलब इसमें तो पूरा मैं आ जाऊंगा एक पैर में, काफी लंबा है, मतलब मुझे ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा। ये नीचे का सलवार है, नहीं इसका चौड़ा कितना, मैं आ जाऊंगा पूरा अंदर। अरे नहीं वो ऐसा ही होता है, जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी, मुझे मतलब दिख के बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी नहीं पहना। और ये मतलब उसका कमीज, यस हाँ वर्क किया ना पूरा ये, हाँ ये गोटा पत्ती वर्क मैंने कभी नहीं पहना। साथ उन्होंने दिया था ना इंस्टाग्राम पे, एक दो पसंद आ रहा था, लेकिन सोच रहा था पता नहीं ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा, अजीब पता नहीं, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस था रियली। नीलेश मिश्रा मेरे ऊपर इतना हावी है, इतनी सी थी एक बाल्टी और एक दूध कैन की कहानी, और हाँ टिफिन। वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छा लगा लाइक जरूर करना, भूलना मत, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, और नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट।